दोस्त जेट किंग, जेट किंग, जेट किंग बहुत नाम सुना होगा और बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि उसका नाम तो लिम्का बुक में रजिस्टर्ड है। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि यार फीस 70,000 है, 80,000 है, वो प्लेसमेंट नहीं दिलाता, और दिलाता भी है तो 5-6 हज़ार की प्लेसमेंट दिलाता है, 5-6 हज़ार की जॉब दिलाता है। अपने एक दो वीडियोज़ में और भी पहले बताया है कि आप चाहे जेट किंग से कर लो, चाहे 70,000 रुपये में, और आप चाहे किसी एक लोकल इंस्टीट्यूट से कर लो 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, ठीक है, आपने कर लिया। जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं करोगे, आप इंटरव्यू देने नहीं जाओगे, यार जॉब कैसे मिल जाएगी? कैसे हो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप घर पे बैठे रहो आपकी जॉब मिल जाए? नहीं यार, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है मेरे दोस्त। ये वीडियो कोई प्रमोटेड नहीं है, मैं ये भी बता दूँ। तो मैं बता दूँ मेरे दोस्त कि जेट किंग भी अच्छा है, अदर इंस्टीट्यूट भी जाते हो वहाँ भी अच्छा है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके अंदर देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ कितनी है, आप कितना कर पा रहे हो, आप कितना अच्छा स्कोप कर पा रहे हो टेक्निकल फील्ड में, कितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ पा रहे हो, उनको कैप्चर कर पा रहे हो। तो दैट्स अ पॉइंट ना। मैं एक चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, वहाँ पर फैकल्टी सही नहीं है, वहाँ पर पढ़ाते ही सही नहीं है, तो वो एक अलग केस हो जाता है कि वहाँ पर अच्छे से पढ़ा ही नहीं गया। लेकिन अगर आपने उन लोग आपको अगर उन लोगों ने एक ओवरव्यू भी दिया ना, उतना ही काफ़ी होता, क्योंकि आज का इंटरनेट 4G यूज़ करते होगे, सबके पास है, आप YouTube से पढ़ सकते हो, Google से पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन किसी इंस्टीट्यूट को बदनाम मत करो ना यार कि वो जॉब नहीं दिलाता है, वो नहीं करता है, वो चीज़ है ना, क्योंकि वो तो देखो एक ब्रांड बन गया है और फीस उसकी कॉस्टली है। और मैं बता दूँ मेरे दोस्त, अगर आप ये बोलोगे कि जेट किंग जॉब नहीं दिलाता है, तो जो मेरा रूम पार्टनर है वो टेक्निकल में ही जॉब करता है, उसने जेट किंग से किया था, और मैं बता भी दूं उसने जेट किंग बनारस से किया था, ठीक है, और आज वो टेक्निकल में लीड है, यानी टेक्निकल सपोर्ट की एक कंपनी है जिसमें वो लीड है, और उसके अंदर 7-8 बंदों को मैनेज करता है, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, मतलब 5-6 लोकेशन हैं उसके अंडर, और वो टेक्निकल सपोर्ट में लीड है। उसने किया क्या था मैं बताऊँ ना, उसने BA किया था। बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना, सर BA के बाद हार्डवेयर नेटवर्किंग कर लूँ कि ना कर लूँ, BSc के बाद कर लूँ कि ना कर लूँ। मेरे दोस्त, आप ग्रेजुएशन करो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए यार एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। बाकी आपका जो ग्रेजुएशन है वो एक साइड रखा रहता है इनिशियल जॉब के लिए, ठीक है ना। ये जब होता ना कि आपने BTech किया है, BSc किया है, तो मैंने इसके बारे में वीडियोस पे डिस्कस किया, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ये कई ब्रांड कंपनी में होता है कि नहीं यार, केवल जहाँ पे वो मेंशन होता नहीं, केवल BTech कैंडिडेट ही प्रेफर किए जाएंगे या केवल MTech के बंदे ही प्रेफर किए जाएंगे, ये उस जगह होता है। बाकी BA किया, BSc किया, इनिशियल जॉब के लिए टेक्निकल सपोर्ट में, नो मैटर आपने ग्रेजुएशन किससे किया है, जेट किंग से भी किया, आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो भी जॉब्स मिल जाएंगे, अदर इंस्टीट्यूट से किया है वहाँ से भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था यार। आप कहीं से भी करो, जेट किंग हो या लोकल इंस्टीट्यूट हो, पहले खुद पढ़ो, बाद में दूसरे इंस्टीट्यूट को ब्लेम करो। सीधी सी भले ही आपको थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा, लेकिन मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ, आप नहीं पढ़ोगे दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, चाहे 3 लाख फीस दे देना, तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।